हेलो एवरीवन, क्या आप आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हो कि महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? शायद म्यूज़िक में कोई करियर है, यही आपको पता नहीं है, और आप अच्छे म्यूजिशियन हो। यदि आप म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड हो और उसमें ही करियर बनाना चाहते हो, म्यूजिशियन की भर्ती होती है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, पुलिस बैंड और SRP, ये पाँचों ही फोर्स में म्यूजिशियन के पोस्ट होते हैं। मगर उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना ज़रूरी है यही पता नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट सीखना आपने तय किया है कि मुझे ट्रम्पेट सीखना है या मुझे क्लैरोनेट सीखना है या मुझे सैक्सोफोन सीखना है या मुझे ब्यूगल सीखना है, ये पता है, मगर क्या सीखना चाहिए यही पता नहीं है, तो वो भी आज हम लोग इसमें ये टॉपिक में देखेंगे। म्यूज़िक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो तीन बैंड में प्ले किया जाते हैं। ये पाँचों भी फोर्स में तीन टाइप्स के बैंड होते हैं, जाज बैंड, ब्रास बैंड और पाइप बैंड। ये जो बैंड होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ब्रास बैंड में भी बजाया जाता है, जाज बैंड में भी बजाया जाता है। कोई इंस्ट्रूमेंट्स है कि जो पाइप बैंड में भी बजाए जाते हैं और ब्रास बैंड में भी बजाए जाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या क्या सीखना चाहिए, उसमें कौन से मार्च बजाए जाते हैं, परेड में कौन से मार्च बजाते हैं, एनरोलमेंट होता है, भर्ती जब होती है वो टाइम पे हमको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं। सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताएगा, सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसका मतलब है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहीं जाकर किसी टीचर से सीखा है, मगर ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना ही ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ये भी इतना ही यकीनन सच है। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि जाज बैंड में क्या बजाया जाता है, ब्रास बैंड में क्या बजाया जाता है। आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ, जाज बैंड मीन्स ऑर्केस्ट्रा, ब्रास बैंड मीन्स परेड वाला जो बैंड होता है वो परेड वाला बैंड, जो पाइप बैंड होता है वो भी परेड में ही बजाया जाता है। ब्रास बैंड में और पाइप बैंड में बेस ड्रम साइड ड्रम बजाए जाते हैं। जो स्टाफ नोटेशन, वेस्टर्न नोटेशन जो होते हैं तो वो हमको सीखना ज़रूरी है, इसलिए सीखना है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करेगा कि आपने पहला इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखना चाहिए और रीडिंग राइटिंग का जो स्टाफ नोटेशन का है वो रीडिंग राइटिंग भी सीखना ज़रूरी है। तो जैसे कि ये स्टाफ नोटेशन आप जो देख रहे हो, इसमें जो 5 lines होते हैं उसके ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, तो इसमें के कितने बीट्स बजाए जाते हैं, कितने बीट एक नोट बजता है, सैक्सोफोन का सी कहा है, ट्रम्पेट का सी कहा है, और ये जो क्लैरोनेट जो है इसका सी नोट जो कहा है। सी मीन्स हमारे इंडियन क्लासिकल में सा, जो 7 notes है वही वेस्टर्न में भी 7 notes है। बोलने का तरीका जो है और लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है, कि हमारे इंडियन क्लासिकल में सा रे ग म प ध नी सा, और वेस्टर्न में सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये 7 notes है। मेजर स्केल कैसे बनते हैं, माइनर स्केल कैसे बनते हैं, अगर मेजर स्केल माइनर स्केल सीखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी दुनिया का कोई भी गाना बजा सकते हैं। कि 7 notes का आपने स्टडी करना ज़रूरी है, वही 7 notes होते हैं मगर हर एक इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग बजाया जाता है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के की अलग अलग होते हैं। सैक्सोफोन पे अलग निकलेंगे, ट्रम्पेट पे अलग निकलेंगे, बैरिटोन पे अलग है, ईफोनियम पे अलग है। तो सैक्सोफोन में 4 types होते हैं, आल्टो, टेनर, बेस, सोप्रानो। चारों भी सैक्सोफोन, अगर एक भी सैक्सोफोन आप बजाते हो, क्लैरोनेट का भी वैसा ही है, क्लैरोनेट अगर सीखते हो तो क्लैरोनेट और सोप्रानो ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हो। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कि सीखने के लिए आप सीख सकते हो, और अगर 3-month course, 6-month course जो भी करना चाहता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें अंदर जो भी बजाया जाने वाले मार्च है, जो भी बजाए जाने वाले गाने हैं, वो हम आपको विथ नोटेशन, विथ स्टाफ नोटेशंस प्रॉपरली हम लोग आपको टीच करेंगे। 6 month या 3 months भी आप प्रैक्टिस करते हो, म्यूजिशियन में इनरोलमेंट आपका हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में, म्यूजिक के बारे में कुछ भी आपको जानकारी की ज़रूरी है, आपको लगता है कि मुझे जानकारी चाहिए, तो आप मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, और कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी हम लेसन्स आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, सब लेसन्स, मेजर स्केल माइनर स्केल कैसे बजाया जाता है हर एक इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आप कर सकते हैं, मगर मेहनत करना हम लोगों को ज़रूरी है। बिना मेहनत का हम लोगों को कोई फल नहीं मिलता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारा चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हो, 1 centimeter, 2 centimeter अगर हाइट भी आपको कम है, आपका वेट भी कम है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे म्यूजिशियन हो, सीखने के लिए जो बातें हैं,
जो करना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले लोग भर्ती कराते थे फिर बाद में उनको सिखाते थे, मगर आज वो भी लोग सोचते हैं कि हम भर्ती करने से पहले ही म्यूजिशियन जल्दी मिल सकता है, तो वो हिसाब से वो भी आज ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप भर्ती होने के लिए जब जाओगे तब आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट होना जरूरी है, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट इसलिए होना जरूरी है कि सर्टिफिकेट देख के उनको पता चलेगा कि आपने प्रॉपर कोई टीचर के पास जाके आप सीखे हो, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने स्टडी किया है, आपने आपको सीखना है और आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। हमारे जितने भी नोटेशंस के वीडियो जो है, जितने भी लेसन्स है वो आपको मिल सके, और अच्छी जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है, उनको भी एक पूरे लाइफ टाइम के लिए एक उनको म्यूजिक में करियर करने की चांस मिलेगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।